Assalamu alaikum, a welcome to the In Time Study Advisors YouTube channel. My name is Dr. Mahajan. हमारी टीम इन टाइम स्टडी एडवाइज़र आप सब लोगों की इन सारे कंट्रीज़ के मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा सकती है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन शेयर करने नहीं जा रही, बल्कि मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि अगर आप में से किसी का भी एडमिशन चाइना के यूनिवर्सिटी में हो जाए तो उसको कौन कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, यूनिवर्सिटी के तरफ से हो या फिर चाइना के गवर्नमेंट के तरफ से हो। इन सारी चीज़ों के तरफ जाने से पहले आप सब लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो फिर आप लोगों ने कॉमेंट लाजिम करना है और वीडियो को लाइक भी करना है। अगर चाइना के किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में आप लोगों को एडमिशन लेना है तो आप लोग फ़ौरन ही हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करें, हमारे टीम के व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर एंड फेसबुक पर। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो अब मैं आप लोगों को वो सारे रूल्स बताती हूँ जो चाइना के गवर्नमेंट की तरफ से भी हैं, आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से भी हैं, चाहे बेशक कोई भी यूनिवर्सिटी हो चाइना का। सबसे पहले, आपने कोई भी मजहबी एक्टिविटी अपने कैंपस के अंदर नहीं करना। जी, आपका रूम आपका प्राइवेट जगह है, आप रूम के अंदर कुछ भी करना चाहें यू कैन डू इट। लेकिन इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि आपके रूम में आपके किस तरह के रूम मेट्स हैं। ठीक है, मैं तो यही आपको कहूँगी कि हमेशा अपने रूम मेट्स भी मुस्लिम सेलेक्ट करें ताकि इस तरह की किसी भी चीज़ का कोई भी मसला आपको फेस ना करना पड़े। तो इस चीज़ का थोड़ा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे कि आपको अपनी यूनिवर्सिटी में बाहर लाइक बहुत सारे कभी कभी लड़के या लड़कियां गैदरिंग करती हैं, अपने मज़हब के रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो ये बिल्कुल मना है और इसके ऊपर आप लोगों को पनिशमेंट भी मिल सकती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। सेकंड ये है कि आप लोग ये सोचेंगे कि तो चाइना में तो हर कोई ड्रिंक करता है, इट्स नॉर्मल। लेकिन नहीं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उनमें यह भी है कि आप ड्रिंक करके कोई भी एग्रेसिव एक्टिविटी यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं कर सकते, इसके ऊपर आप लोगों को पनिशमेंट मिल सकती है। और थर्ड ये है कि आप लोगों ने किसी भी ऐसी जगह स्मोकिंग या ज़ोर के आवाज़ से कोई चीज़ नहीं करना, लाइक आपका क्लासरूम, कैंटीन या फिर कोई भी पब्लिक एरिया इन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का ऑफिस हो या कोई भी लाइक स्टडी रूम हो, कहाँ भी आपने स्मोकिंग नहीं करना, ज़ोर से नहीं बोलना, बदतमीज़ी नहीं करनी किसी के साथ, कोई भी इस तरह की एक्टिविटी नहीं करनी जिससे दूसरे लोग डिस्टर्ब हों। और कुछ ऐसी चीज़ जो कि आप लोगों को खुद भी पता है कि गलत है, हरेसमेंट, लड़ाई झगड़ा, किसी के साथ बदतमीज़ी करना या किसी भी इस तरह की शिकायत अगर आपकी यूनिवर्सिटी के ऑफिस तक गई तो आप लोगों को पनिशमेंट मिल सकती है। और अब हम आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, वो ये है अटेंडेंस। मैं आप लोगों को बता दूँ, चाइना में अटेंडेंस को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है कि आपकी सोच है। अगर बेशक आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं, आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं है, आपके ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं, लेकिन आपकी अटेंडेंस 100% है, तो आपको टीचर जो है ना, एक जो बेस्ट स्टूडेंट होता है ना, जो हर चीज़ टाइम पे पूरा करने वाला, उससे भी आगे रखते हैं। अटेंडेंस को बहुत अहमियत दी जाती है। अगर आपकी अटेंडेंस पूरी है तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है, आपको अच्छे अच्छे एक्टिविटीज़ के लिए टीचर सबसे पहले बुलाते हैं। अटेंडेंस इज़ गुड, इट मीन्स यू आर गुड। अगर जैसे कि मैं अटेंडेंस की बात कर रही हूँ तो फिर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कभी कभी स्टूडेंट्स क्लास को मिड पे ही छोड़ के चले जाते हैं। अगर ऑफिस तक ये बात गई तो ऑफिस को आपने एक वैलिड रीज़न देना होगा कि क्यों आपने क्लास लीव किया है। मैं आपको बता दिया एक बार कि अटेंडेंस को बहुत इंपॉर्टेंट दिया जाता है, इट मीन आपकी क्लास एक्टिविटी को बहुत नोटिस किया जाता है। कभी कभी आप ऐसे कहेंगे कि नहीं कुछ नहीं होता, सीआर हमारा फ्रेंड है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, यूनिवर्सिटी को सब कुछ पता है। अच्छा, अब मैं आपको ये भी बता दूं कि कभी भी इंसान है, कोई भी गलती हो सकता है। अगर आप अपने गलती पर खुद पहले यूनिवर्सिटी के ऑफिस जाकर इन्फॉर्म करेंगे तो हो सकता है कि आपकी थोड़ी बहुत रियायत हो जाए। अब मैं आप लोगों को जी बताऊंगी कि आपने यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने के लिए क्या करना चाहिए। यहाँ मैं आप लोगों के साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी, जैसे कि मेरे साथ मेरे बहुत सारे और भी फ्रेंड्स हैं चाइना के डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में हैं,
ठीक है, हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग टाइप के लोग हैं, उन सब की बातें यानी लड़कियों से मैंने बात करके पूछा है कि आपकी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में क्या क्या होते हैं और क्या क्या नहीं होते। मेरी यूनिवर्सिटी का मुझे ऑलरेडी पता है, तो 3-4 यूनिवर्सिटीज़ का मिला के मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आप लोगों ने अपनी अगर हॉस्टल में सुकून से रहना है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। अच्छा, तो ऑप्शन 1, हमेशा कोशिश करें कि आप जिस कंट्री से हैं उसी कंट्री का रूममेट सेलेक्ट करें। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। उससे ये होगा कि वो सेम, आप लोग दोनों सेम ही लाइक मज़हब के होंगे, आप लोगों के रूम में जो भी एक्टिविटी हो रहा है वो बात ऑफिस तक नहीं जाएगी, पहली बात। सेकंड बात ये है कि आप लोगों को जो है ना लैंग्वेज का ज़्यादा मसला नहीं होगा, आप बिल्कुल अपने रूम के अंदर कम्फर्टेबल रहेंगे। ये रहा ऑप्शन 1। ऑप्शन 2, कोशिश करें कि यूनिवर्सिटी में जाते ही उस इंसान को अपनी फ्रेंड बनाएं। आप बेशक लड़की हैं या लड़का, लेकिन आप हमेशा कोशिश करें कि उस इंसान से फ्रेंडशिप करें जो आपके रूम में रह रहा है, क्योंकि मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट्स डिपोर्ट हो जाते हैं, एक्सपेल हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज के वो हॉस्टल के अंदर रूम्स के अंदर लड़ पड़ते हैं एक दूसरे के साथ किसी भी छोटे छोटे टॉपिक से। तो फ्रेंड हमेशा उस इंसान को बनाएं जो आपके रूम में रह रहा है। उससे ये होगा कि आपका कोई रूम से बाहर कोई फ्रेंड नहीं है, वो कभी आपके रूम में नहीं आएगा, तो उससे ये होगा कि आपकी रूममेट भी कोशिश करने लगेगी कि मेरा भी कोई बाहर से फ्रेंड ना आए। अच्छा, रूम के अंदर बाहर से कोई भी फ्रेंड आता है ना, तो उससे थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है एक दूसरे के साथ। अच्छा, मैं अपने फ्रेंड्स को नहीं बुलाती, वो बुलाते हैं, तो ये बहुत ही बड़ी इशू है। आप लोग सोच रहे होंगे मैं इस टॉपिक पे क्यों बात कर रही हूँ, ये वाकई में बहुत बड़ी इशू है और हमारी यूनिवर्सिटी में इन इशूज़ के ऊपर स्टूडेंट्स एक्सपेल भी हो चुके हैं। और थर्ड, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, टाइमिंग को अपना हमेशा मैनेज करना सीखें। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि रूम यानी एक बात कहते हैं बड़े कि घर वो जगह है जहाँ इंसान दुनिया भर के काम करके थक हार के आता है कि हम रिलैक्स करेंगे। तो इसी तरह आपकी यूनिवर्सिटी में आपका हॉस्टल यानी कि आपका रूम वो इतना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आप दिन भर क्लासेस, एक्टिविटीज़, दोस्तों के साथ बाहर जाना आना या गैदरिंग्स करना, इन सारी चीज़ों से इतना थक जाते हैं कि जब आप रूम आते हैं तो आपका पूरा माइंड में ये होता है कि मैं रूम जाके रिलैक्स करूँगी। तो हमेशा अपने घर या अपने रूम को सुकून का माहौल रखें। तो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि टाइम मैनेजमेंट, हमेशा अपने टाइम को कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला इंसान नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूँ। सामने वाला इंसान बेशक ना करें, आप अपना हमेशा 100% दिया करें। आप कोशिश करें कि आप अपनी टाइमिंग को जो आपके साथ रूम मेट है उसकी टाइमिंग के साथ मैच करने की कोशिश करें। लाइक जब वो सो रहा है आप उसी टाइमिंग का रूटीन बनाएं कि आप सोएं। उससे ये होगा कि आप भी डिस्टर्ब नहीं होंगे, वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा। जब आप सो रहे होंगे तो दोनों सो रहे होंगे, आप जाग रहे होंगे तो दोनों जाग रहे हैं। वरना ये बहुत बड़ा इशू है कि अगर एक सो रहा है दूसरे ने स्टडी करना है, उसने लाइट्स ऑन किए हैं और वो स्टडी कर रहा है और जो सो रहा है उसकी नींद डिस्टर्ब हो रही है। तो इस चीज़ का बहुत आपको ख्याल रखना है। और एक और बात मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कोशिश करें कि अगर किसी ने आपके साथ थोड़ा बहुत गलत कर लिया तो आप शिकायत ऑफिस तक ना लेके जाएं। अगर आप किसी की एक छोटी सी भी शिकायत लेके जाएं या फिर शायद बहुत बड़ी शिकायत लेके जाएं तो फिर ज़िद में आकर स्टूडेंट्स, क्योंकि वो एक स्टूडेंट लाइफ है, वहाँ पे कोई मैच्योरिटी नहीं है, कोई बंदा किसी चीज़ का नहीं सोचता। इसलिए आपको खुद मैच्योर होने की ज़रूरत है, आप खुद मैच्योर हो, वरना वो इंसान का यही मकसद बन जाता है उन लोगों का कि आपकी शिकायत ऑफिस तक पहुँचानी है। तो बेशक आपसे गलती से भी कोई मिस्टेक हो जाए तो आपकी गलती ऑफिस तक जाएगी, उससे आपका रेपुटेशन भी ख़राब हो जाएगा। रेपुटेशन ख़राब हो गया तो और बाकी यूनिवर्सिटी में पीछे है ही क्या। और नेक्स्ट, आप लोग कोशिश करें कि यूनिवर्सिटी या हॉस्टल के अंदर ऐसी कोई भी एक्टिविटी ना करें जिससे आपको नुकसान हो और अगले किसी को नुकसान हो। और कोशिश करें कि आप ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ ना किया करें जिनसे दूसरे स्टूडेंट्स भी अपना क्लास लीव करके आपके उस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएं। ये बात अगर ऑफिस तक गई तो आपको पनिशमेंट हो सकती है। ये हो गई है जी यूनिवर्सिटी के अंदर की बातें, आपके हॉस्टल और यूनिवर्सिटी की बातें। थोड़ा सा बाहर चलते हैं। अच्छा, आपने कभी भी आउट ऑफ सिटी विजिट के लिए जाना हो या ट्रैवल के लिए जाना हो कुछ भी, तो आपने पहले अपनी यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करना है। और कुछ चीज़ें हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं अपने पास रखने के लिए, आपका स्टूडेंट आईडी कार्ड एंड आपका पासपोर्ट। पासपोर्ट
आपके पास होना इतना ज़रूरी है, वो तो आई थिंक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को उसकी अहमियत का पता है कि उसको साथ लेके जाना है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड नहीं लेके जाते क्योंकि बहुत सारी जगह पे स्टूडेंट आईडी कार्ड की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आपके बैग के अंदर स्टूडेंट आईडी कार्ड होना कितना इंपॉर्टेंट है मैं बताती हूँ। आपके स्टूडेंट आईडी कार्ड में आपके यूनिवर्सिटी का पूरा एड्रेस और उनका इन्फॉर्मेशन, उनके कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ लिखा हुआ होता है। अल्लाह ना करे कभी भी आपके साथ कोई भी मसला पेश आए तो आपका फ़ोन जो है ना वो लॉक हो जाता है, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं मिलने वाला। लेकिन आपके स्टूडेंट आईडी कार्ड अगर आपके बैग से निकले तो आपका कोई भी मसला कुछ भी होने के बाद आपकी यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करने में किसी को इशू नहीं होगा, क्योंकि आपके स्टूडेंट आईडी कार्ड पे चाइनीज़ में भी लिखा होता है और इंग्लिश में भी लिखा होता है, तो चाइनीज़ के लिए कभी भी मुश्किल नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे सिटीज़ के चाइनीज़ को इंग्लिश नहीं आती। तो स्टूडेंट आईडी कार्ड आपके लिए बहुत पावरफुल चीज़ है, वो अपने पास रखें। अच्छा, मैंने आउट ऑफ सिटी का तो आप लोगों को बता ही दिया, लेकिन फिर भी अपने सिटी हो या आउट ऑफ सिटी हो, आप लोग बगैर लाइसेंस के ड्राइविंग नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप लोगों को ऐसी कोई चीज़ लेनी भी है, क्योंकि मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अपनी गाड़ियाँ भी ली हुई हैं, बाइक्स भी ली हुई हैं, तो इस चीज़ से पहले आप अपने यूनिवर्सिटी के ऑफिस जाकर, ठीक है, उनसे बात करें, उनसे पूछें अगर आपके पास लाइसेंस है नहीं है या कुछ भी है, वो मुझसे ज़्यादा आप लोगों को समझा सकते हैं कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं छोटी छोटी, जो मैं खुद भी चलाती रही हूँ, मेरे फ्रेंड्स भी चलाते रहे हैं, आई थिंक वो बगैर लाइसेंस के आप लोग चला सकते हो। ओके, तो मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। एक और चीज़ भी बता देती हूँ जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि हम चाइना में जॉब कर सकते हैं, तो ये भी है कि आप लोग जॉब नहीं कर सकते। आप लोग स्टूडेंट वीज़ा पर चाइना में जॉब नहीं कर सकते। इस चीज़ पे आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है, एक्सपेल भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी पे कि वो आपको कौन सा पनिशमेंट देना चाहते हैं। हाँ, आपके सिटी या आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है, आपके कंफर्ट जोन पर डिपेंड करता है कि अगर वो लोग अलाउ कर रहे हैं या आपकी यूनिवर्सिटी के ऑफिस में फ्रेंडशिप है, आप परमिशन ले सकते हैं तो बाद में आप लोग कर सकते हैं, वरना ये अलाउ नहीं है कि आप स्टूडेंट वीज़ा पर जॉब करें। और हाँ, आप लोग लेट नाइट बाहर स्टे नहीं कर सकते। कैंपस में आप लोगों को हॉस्टल देने का मकसद ही यूनिवर्सिटी का ये है कि आप यूनिवर्सिटी के अंडर रहें और सेफ रहें, बाहर ना जाएं। हर यूनिवर्सिटी के टाइमिंग्स हैं, अलग अलग टाइमिंग है। अगर मेरी यूनिवर्सिटी की बात करें तो मेरी यूनिवर्सिटी की टाइमिंग ये थी, नाइट 11:30 के बाद आप लोग अपने डोमेट्री से भी बाहर नहीं जाते, यानी कि जिस बिल्डिंग में हमारे रूम है ना, उस बिल्डिंग के गेट से भी हम लोग बाहर नहीं जा सकते। यूनिवर्सिटी तो फिर बहुत अलग बात है। तो आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप लोग पढ़ रहे हैं उस यूनिवर्सिटी की टाइमिंग्स क्या हैं, कि सुबह किस टाइम के बाद आप लोग बाहर निकल सकते हैं, रात किस टाइम के बाद आपने दोबारा अंदर नहीं आना। ये बहुत सख्त पॉलिसी इनकी होती है यूनिवर्सिटी की, ठीक है, कि उन्होंने जो टाइमिंग रखी है वो रखी है, उसके बाद आपने बाहर नहीं जाना, ठीक है। हमारी यूनिवर्सिटी का यह होता था कि सुबह 6 के बाद हम लोग बाहर जा सकते थे और रात को 11:30 के बाद अगर हम बाहर हैं तो अंदर आने के लिए गार्ड्स हमें अंदर नहीं आने देते थे, हमें ऑफिस इन्फॉर्म करना होता था। ऑफिस इन्फॉर्म करने का मकसद पता है ना आप लोगों को कि क्या है, वो कहेंगे ऐसा क्या आपकी ज़रूरी थी या ऐसा क्या इशू था जिसकी वजह से आप इतने लेट यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, तो थोड़ा मसला बन सकता है, तो टाइमिंग का ख्याल रखें। मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता दिया है, आप लोगों को अब पता है कि आपने एक यूनिवर्सिटी के कैंपस में किस तरह रहना है। अगर फिर भी आप लोगों के पास कोई भी सवाल है तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बस इतना ही आप लोगों को बताना था। आप लोग यही सोचते होंगे कि हमारे इस चैनल पर आप लोगों को यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ वहाँ की लिविंग लाइफ स्टाइल जो भी है, सारी चीज़ों के बारे में हम आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। हमारे टीम का मकसद ही यही है कि अगर हम आप लोगों की मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाते तो कम से कम अगर आपकी एडमिशन हो जाए तो उसके बाद आप लोगों को प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। हम जितना हेल्प कर सकते हैं हम अपनी तरफ से फ्री में आप लोगों के हेल्प करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों को क्या करना है हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है या इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप लोगों ने वीडियो के नीचे कमेंट करना है और वीडियो को लाइक करना है। और अगर किसी भी चाइना की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो हमारी टीम से फ़ौरन कॉन्टैक्ट करना है, हमारे टीम के व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बेस्ट ऑफ लक, अपने लिए अच्छी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें। अल्लाह हाफिज़।